आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मैं एक थिएटर सीरीज चला रही हूँ और उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि एक्टिंग की प्रमुख बातें क्या है, सोलो थिएटर क्या है, सोलो परफॉर्मेंस क्या है, हमारा अवितो को रूम थिएटर क्या है, कहानी कैसे कह सकते हैं, कविताएं कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सारी बातों को हम आपके सामने सीरीज के तहत हम लेकर के आ रहे हैं ताकि आप थिएटर की बारीकियां समझ सकें, एक्टिंग की बारीकियां समझ सकें और उसमें भी ख़ास तौर से सोलो थिएटर को आप समझ सकें। सोलो थिएटर जैसा कि आप जानते हैं कि एकल थिएटर है और इसमें आपके ही बलबूते सारा का सारा परफॉर्मेंस है, सारा दारोमदार आपके ऊपर है। तो कैसे हम सोलो थिएटर को शुरू से करें और शुरू से समझें, इनको समझने के लिए और जानने के लिए हम आपके सामने कुछ बातें लेकर के सीरीज में लेकर के आ रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि सोलो थिएटर में स्क्रिप्ट का क्या मतलब है और मैं जो सोलो परफॉर्मेंस क्लासेस लेती हूँ उस पे मैं स्क्रिप्ट पर क्यों जरूर जोर देती हूँ और उसमें भी ख़ास तौर से मैं अपना स्क्रिप्ट नहीं देती हूँ। क्यों महत्वपूर्ण है आपका अपना स्क्रिप्ट लेखन सोलो थिएटर में या सोलो परफॉर्मेंस में? देखिए, आपकी अपनी एक जिंदगी है। आप जब से आप पैदा हुए हैं और तब से लेकर के आज तक जो भी आपकी उम्र है, उस उम्र तक आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में हजारों घटनाएं घटी हैं, हजारों ऐसे प्रसंग आए होंगे जिन्होंने आपके मन को छुआ होगा, जिन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर के जो आए होंगे, जिन्होंने आपके दिल में तकलीफ की सुई चुभोई होगी, जिन्होंने आपके हृदय में कुछ ऐसे प्रेरणा के पल जागृत किए होंगे जिनके बल पर आज अभी भी अपने आप को ऊर्जावान और प्रेरणादायी महसूस करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम सब की जिंदगी में इतने सतरें लिखी हुई हैं। हम सबकी ज़िंदगी कोरा कागज़ नहीं है, कोरा पन्ना नहीं है, किसी की भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, किसी की नहीं है। तो क्यों ना हम उन पन्नों को, उन सतरों को जो हमारी ज़िंदगी ने लिखे हैं, उन्हें हम नाटक के रूप में लेकर के आए। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक कि आपके विषय पर, आपके जीवन पर आपकी बात सामने आएगी, नंबर दो। उसके बाद आपको अपने जीवन में, अपने लाइफ में झांकने का मौका मिलेगा, आपको अपनी ही चीजों को का मंथन करने का मौका मिलेगा। आपकी कहानी आपकी जुबानी है। अपने जीवन का कोई भी घटनाक्रम निकालिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत समय सापेक्ष होता है कि कब कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, कब कौन सी चीज़ बुरी होती है। खैर, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। हम ये कहेंगे कि आपके नज़र में वो लगता है कि नहीं, वो मेरा बड़ा दुःस्वप्न था, लेकर के आइए। आपको लगता है कि अरे वाह, वो मेरे जीवन में कितना अच्छा वो पल था, उसको लेकर के आइए। उनको याद करिए और उसके बाद उनको आप एक ही घटना लिखिए। उस वो एक घटना आपकी एक स्क्रिप्ट होगी। उस स्क्रिप्ट, उस घटना को जब आप पूरे नरेट करेंगे, सोचेंगे, क्योंकि हम केवल ये कहेंगे कि कल रात मैं उनके यहाँ से 12 बजे रात में लौटा, अगर या लौटी, अगर मैं केवल ये कहती हूँ कि कल मैं उनके यहाँ से रात में 12 बजे लौटा या लौटी, कहने को एक लाइन है, लेकिन इस एक लाइन के पीछे आपके पूरे उस पूरी घटना है कि आप उनके यहाँ क्यों गए थे, कब गए थे, किस लिए गए थे, वहाँ क्या क्या हुआ और वहाँ से आप कब चले। वहाँ 12 बजे तक रहे हैं तो जाहिर है कि आपने कुछ खाया पिया, आप जिनके साथ थे उनके साथ क्या बातें चली, क्या चर्चाएं चली, उसमें क्या अच्छे तत्व निकल के आए, क्या ऐसा तत्व आया जो जिसने आपको तकलीफ दी। ये तमाम चीज़ें, वो एक पूरी की पूरी घटना जब आप उसको लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपके अपने होने का आपको अनुभूति आपको मिलेगी, सुख मिलेगा। उसके बाद
आम तौर पर क्या होता है कि एक्टर्स वो ये सोचते हैं कि मैं तो केवल एक्टिंग करने आया हूं और एक्टिंग करने आई हूं, मुझे लिखने विकने से क्या मतलब। अब ये मान के चलिए कि आप एक्टर हैं, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये किसने कहा कि एक्टरों को लिखना नहीं चाहिए? ये किसने कहा कि एक्टर लिखी लिखाई इबारत लेकर के आएंगे, उनको मिलेगा और उस पर वो एक्ट करेंगे? वो है, वो एक हिस्सा है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप शब्दों की यात्रा से गुजरते हैं, शब्दों की गहराइयों से गुजरते हैं। शब्द क्या कह रहा है, शब्द की अपनी क्या कहानी है, शब्द की अपनी क्या व्याख्या है, उनसे आप गुजरते हैं। जब उनसे आप गुजरते हैं तो स्क्रिप्ट आप बेहतर तरीके से समझते हैं और आपको स्क्रिप्ट और बेहतर तरीके से याद होता है। धीरे धीरे लिखने का आपको एक अभ्यास होता है, क्योंकि जब हम थिएटर की प्रैक्टिस भी करवाते हैं तो उसमें भी लिखना एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है कि आज आपने क्या सीखा, क्या समझा, इसे आप लिख करके लाइए। आप कल आएंगे, क्या आप सोच समझ करके आ रहे हैं, क्या आपको आपकी इच्छा है जानने की, और अधिक जानने की है, वो सोच करके आइए, लिख करके लाइए। भले आप डिटेल में ना लाइए लेकिन बुलेट पॉइंट्स में ही लिख के लाइए, लेकिन लिख करके लाइए। मतलब लिखना हमारा बहुत बेसिक काम है और वो चाहे वो एक्टर हो या एक्टर ना हो, दोनों के लिए ये बेहद ज़रूरी है। आप अगर एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो लिखना आपके लिए ज़रूरी है। जब आप अपने अपनी बात, अपनी कहानी, अपनी भाषा में लिखेंगे तो वो आपके लिए एक्ट करना बहुत सहज हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे सकती हूँ, मैं आपको अपनी कहानी दे सकती हूँ, लेकिन वो मेरी कहानी होगी, मेरी भाषा होगी, मेरी सोच होगी। उस सोच के, उस भाषा के साथ आपको एडजस्ट करने में, कोऑर्डिनेट करने में, उस सोच के साथ आपको कोऑर्डिनेट करने में, उस सोच को डिकोड करने में आपको समय लगेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। जब आप अपनी कहानी कहने के लिए आते हैं तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो घटनाक्रम, एक विजुअल्स आपके सामने अपने आप क्रिएट होने लगेंगे और आप खुद उसमें एक नायक के रूप में या नायिका के रूप में आप अपने आप को उसमें पाएंगे और उसका जो एक फ्लो बनेगा वो एक फ्लो, बड़ा अद्भुत फ्लो बनेगा। उसके बाद, क्योंकि सोलो परफॉर्मेंस क्लास है, आप अब उसमें जो संवाद लिखेंगे, अब उस नरेशन की भाषा आपकी अपनी होगी, उसमें जो डायलॉग लिखेंगे वो आपके अपने होंगे। तो हर कोई अपनी, जो जो बोलता है, सबकी अपनी एक वोकैबलरी होती है, सबका अपना एक बोलने का तरीका होता है, सबका अपना एक ग्रामर होता है, सबकी अपनी एक भाषा होती है। तो आप अपनी उस भाषा में जब अपने डायलॉग लिखेंगे तो वो आपके लिए उन डायलॉग्स को याद करके रखना, याद करना बहुत सहज हो जाता है। और इससे इस डायलॉग को याद करने में तो सुविधा होती है, साथ साथ उसको आत्मसात करने में सुविधा होती है और उसको वो आपकी आत्मा के भीतर तक जाकर के बैठता है। तो इसलिए स्क्रिप्ट लिखना सोलो थिएटर की सबसे पहली और सबसे बेसिक ज़रूरत है। और उस इसलिए जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जो आते हैं सोलो थिएटर सीखने, हम उनके साथ बात करते हैं और बात करते हुए हम उनसे वो नुएंसेस, हम उनसे वो तत्व निकालते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं जो उनके भीतर है और जो उनके भीतर से निकाल करके उनको कलाकार बना सकता है, उनको एक्टर बना सकता है। तो इसलिए हमें स्क्रिप्ट क्यों लिखनी चाहिए, हमें स्क्रिप्ट पर क्यों ध्यान देना चाहिए, ये मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की। बहुत डिटेल में आपको जानना है तो आप हमारी क्लास विभास सोलो थिएटर ऑनलाइन सोलो परफॉर्मेंस क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारे सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी पर आप मुझे खोज सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और तब तक आप इन बातों को मनन कीजिए और सो देखिए और खुद अपने लिए अपने स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन अगर आप
ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हाँ, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिसे जिस पर मैं बात कर सकती हूँ, आपके मन के विषय पर मैं बात कर सकती हूँ, तो आप हमें ज़रूर बताइए। मेरी क्षमता में हुआ तो उसे मैं ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर। और हाँ, चलते चलते अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।